अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ एग पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही कम टाइम में भी बन जाती है और आप इसे इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही में ये बहुत ही मज़े के भी बन जाते हैं। तो आप एक बाउल ले लीजिए, कोई भी एक बाउल ले लीजिए और उसमें हमें एक कप बेसन ऐड कर लेना है। ये पूरा एक कप मैंने ले लिया है और साथ ही में आपको इसमें हाफ कप चावल का आटा ऐड करना है। चावल का आटा ऐड करने से आपके पकौड़े जो है बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। साथ ही में मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लिया है और 2 हरी मिर्ची है जो मैंने कट करके बारीक कट करके डाल दिए और चाट मसाला मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। थोड़े से कोरिएंडर के लीव्स हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मैंने टोटल 1 कप एंड 5 टेबलस्पून पानी ऐड किया था इसमें। इसे आपको अच्छे से तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको डालना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए, कोई लम्स ना हो जाए इसमें। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करोगे तो आपका एक स्मूथ बैटर रेडी हो जाएगा। जिस तरह से ये रेडी हो गया है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो। और साथ ही में आपको इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने से आपके पकौड़े जो होते हैं वो बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं। तो आप जब भी पकौड़े बनाइए तो इसमें थोड़ा सा ऑयल गरम जो आपने किया होगा वो उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। साथ ही में मैंने इसमें एग्स एंड ग्रीन चिलीज़ ले लिए, इसे मैंने बैटर में डिप कर दिया है। एग्स को एक एक करके डिप कर रही हूँ मैं और साथ ही में मैंने ग्रीन चिली को भी उसमें ऐड कर दिया है बैटर में। मैंने ये को जो बैटर है इस तरह से बनाया है। अगर आपको थोड़ा सा थिक बैटर पसंद है तो आप वो भी ले सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं पसंद है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ये बहुत क्रिस्पी भी होते हैं और जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था गर्म करने के लिए और इसमें अभी मैं एक एक एग्स जो है वो शामिल कर दूँगी। इफ्तार का टाइम हो रहा था इसीलिए मैंने एक साथ ज़्यादा पकौड़े ऐड कर दिए। आप अगर चाहो तो आप थोड़े से कम क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हो। मुझे देरी हो रही थी, इफ्तार का टाइम हो गया था इसलिए मैंने सारे एक साथ डाल दिए। और आपको अच्छे से इसे डीप फ्राई कर लेना है और साथ ही में आपको इसे एक टिश्यू पेपर पे आपको इसको निकाल देना है, अच्छे से ऑयल रिमूव हो जाएगा इसमें टिश्यू पेपर में आपका एक्सेस ऑयल जितना भी रहेगा। ये अच्छा भी हो जाता है टिश्यू पेपर पे निकालने से, जितना भी आपका ऑयल रहता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। साथ ही में मैंने ग्रीन चिली वाला भी पकौड़ा ऐड कर लिया है और एक एक करके इसी तरह से आपको डीप फ्राई कर लेना है। तो अभी हमारे सारे पकौड़े बन के रेडी हो गए। मैंने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लिया है, मीचे के जो पकौड़े थे उन्हें भी और एग्स के जो पकौड़े थे उन्हें भी मैंने रेडी कर लिया है। इसके साथ आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी चटनी जो आती है इमली की, वो भी उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये मैंने रेडी कर लिया है। तो गाइज़, आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह।